है, मैंने उसको ऐसे ही उल्ट सुल्ट बोलते ही सुना, और ये फिर भी उसका फेवर करते, कोई ना बेटी अपनी है ठीक है कोई ना। इतने मेरे को यो होता है कि इतने अच्छे सास ससुर हैं फिर भी कोई कदर नहीं आपके उनकी। साथ। जी मैं बढ़िया लग उनकी रही है। जो जो वो अम्बिका है उनकी दौरानी हूँ। उनकी माँ ने मेरे पे आरोप लगाए हैं कि वो चोटी पकड़ के मारती थी। एक नहीं, सोचने गलत बात समझने है की सर। बात है, वो मेरे से इतने साल बड़ी है, वो एक पुलिस में वो ट्रेनिंग करके आई हुई है। इतना झूठ भी क्या होता है कि चोटी पकड़ के कोई उसको मार सकता है। वो हमें धमकी देती थी, तुझे छत पर से फेंकूंगी, तू आइयो घर पे तेरे को मैं बनाऊंगी। उसकी माँ, वो उसकी डिलीवरी हुई तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं डेली मतलब भिवानी से अप डाउन करती, मैं घर में आके काम करती, मैं संभालती मेरे आगे। तो उसकी माँ और वो दोनों ऐसे करते कि भाई बहुत काम करती है, थक जाती है वो हर पीठ पीछे। उन्होंने जाने के बाद इतनी वो की। मेरे पास उसकी माँ से मम्मी से मैंने उससे बात की है, मैं आपको सुना सकती हूँ। मैंने उनकी मम्मी को कहा आंटी क्या बात होगी, तो क्या हो तो जब सकता है उनकी सर मम्मी ने तुम्हारी? कुछ भी नहीं कहा। मैं उन्होंने आपको काफी रिकॉर्डिंग भी सेव की वो हुई है। रिकॉर्डिंग के क्या हम, मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शादी के बाद की मैं बता सकती हूँ। मेरे को खूब पढ़ा रहे हैं, कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल हो गए। हाँ, और मैंने देखा है वो खूब बुराई करती थी इनकी। मैंने समझा, मैं इनके साथ रही हूँ, मुझे क्या पता नहीं है। वो मुझे पढ़ाते हैं तो उनको कहती है खर्चा क्यों दे रहे हो उसको, लिया क्यों नहीं भिवानी वाला पे, 20 लाख रुपये ले लो ना उन पे, क्यों ना ले रहे, ले लो इसी तीसी करा कर अकेले पढ़ा रहे 12th पास उसको। लेकर आई, क्यों पढ़ा रहे हो उसने पीछे फुक्को हो उस पे, अब आप ऐसे देखो ऐसे। तो सर, वो आपको शब्द क्या बोलती लगता है थी, कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं किस तरह से बहुत आप? गलत है। मुझे तो मेरे सास ससुर में कोई कमी नहीं लगती, मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते। मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं घर जाती हूँ, इतनी चिंता करते हैं, फ़ोन करते हैं कि तू अपनी पढ़ ले पढ़ ले। इनकी से हेल्थ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं रहती, फिर भी ऐसे कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन तू पढ़ ले, तू कर ले कुछ, तेरे को पढ़ना चाहते हैं आगे। मैं PhD तक करवाने की इन्होंने कह रखी है, तो यह क्या उसके साथ इतना ब्यूरा बिहेव कर सकते हैं क्या? आपके जब हस्बैंड वो क्या मेरे करते साथ हैं? इतने अच्छे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता आपके है? पति कहाँ हैं? आर्मी में है। तो अभी छुट्टी आई हुई है? नहीं नहीं वे दूसरी जगह है। अच्छा, तो कहाँ पर उन्होंने, पोस्टिंग है? मैंने जी उनकी पंजाब में जम्मू बता में रहे है, हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में। मैंने उनकी मम्मी से सारा बात की है, और उनकी मम्मी की मैं आपको अभी सुनाती हूँ। आज की बात है? नहीं, जब वो डिलीवरी के बाद मतलब 11 तारीख एक को वो महीना, चल गई थी, मतलब 11 तारीख को पहले की मैं बात है, बैंक में गई हुई दस थी मेरे महीने हस्बैंड दस के महीने साथ। के समथिंग। तो जिस दिन वो गई है, उसके भाई उसको लेने आए हैं, तो अपने भाई मतलब यहाँ पूरी मतलब लड़के गई है, ऐसी है वैसी है, गुंडी है लुच्ची है, मेरे माँ बाप तक को उसने गाली दी है जो हम बता भी नहीं सकते, अपने मुँह से कह नहीं सकते, ऐसे वर्ड उसने बोल रहा है। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, बस उसको ऐसे कहा बहन तू अपने न्यारी हो जा, मेरे को मैं तेरे को कुछ कह नहीं रही। बताइए जी, जैसे आपके साथ जो है उनकी मम्मी की बात हुई थी फोन पे, तो किस तरह की क्या बातें हुई थी? मैंने उनको कहा कि आंटी क्या बात हो गई, मैंने तो इनको कुछ कहा भी नहीं। तो उसकी मम्मी ने साफ कहा कि बेटा ऐसे ही होगी। तो मैंने उनको साफ शब्दों में कहा था कि आंटी मैंने कुछ बोला नहीं इनको, ये घर में भी मेरे को ऐसे ही बोल रही थी, फिर भी हम ऐसे सोच रहे थे चलो कोई ना भाई साहब हैं ठीक रह लेंगे रह लेंगे रह लेंगे, लेकिन वो नहीं। फिर भी उनकी मम्मी ने साफ ऐसे कहा कि कोई ना बेटा कोई ना, बस ऐसे करके मेरी इतनी बात हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद मतलब आगे से मैसेज कर रही है गलत गलत, तो अभी हमने कोई हमारी जब से बातचीत ही मैंने बंद कर दी थी, जब मैंने उनकी मम्मी से बात की थी, जब से हमारी कोई बातचीत नहीं। और मैं उसके साथ सिर्फ 5 दिन एक बार पहले रुकी थी, और उसकी डिलीवरी के टाइम मेरे एग्ज़ाम थे, स्पेशली मैं उसके लिए आई थी कि भाई घर में ज़रूरत है। 2018 से और 2022 तक कितना समय यहाँ पे रुकी हूँ? मेरे आगे तो मैं 5 दिन और 1 महीना वो, और जब भी रुकी है मैंने उसको ऐसे ही उल्ट सुलट बोलते ही सुना, और ये फिर भी उसका फेवर करते, कोई ना बेटी अपनी है ठीक है कोई ना। इतने मेरे को यो होता है कि इतने अच्छे सास ससुर हैं फिर भी कोई कदर नहीं उनकी। आपकी शादी कब हुई थी जी? मेरी 2021 में, 1 साल पहले, 2021 से 2022, आप लगभग 1 साल के अंदर। हाँ, मुझे तो सारी सुविधा दे रहे हैं, मुझे तो सब कुछ दे रहे हैं, उसे क्यों नहीं दिया होगा? मुझे पढ़ा भी रहे हैं जबकि बीमार रहती हैं, ऐसे कहते हैं हम तो कर लेंगे तू पढ़। आप पर कभी कोई नहीं, से बिल्कुल संबंधित कुछ कोई भी दबाव नहीं, बनाया गया कुछ भी नहीं उसके ऊपर कभी आपने देखा हो? नहीं नहीं बनाते नहीं कुछ भी नहीं, बल्कि मम्मी उसके लिए खाना बनाती थी बिल्कुल। वो हम मैं आ जाती तो मैं करती, उससे हम कुछ कहते भी नहीं कि भाई तुम अपने अच्छे तरह से रह लो, लेकिन नहीं। मैंने तो उसको हमेशा इनसे गलत बोलते सुना, और ये फिर भी रो लेते धो लेते ऐसे कहते कोई ना बेटी है समझ जाएगी अपनी ही है, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, कोई ना वो, और फिर भी कुछ नहीं कहते, अभी भी कुछ नहीं कहते, मुझे भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। तो ये जो आरोप लगा रखे हैं, ये आरोप बिल्कुल क्या मानते हैं इसके बाद?
मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने जब जैसा देखा है तो जिस तरह से ऐसा हो ही नहीं सकता। पता लगा कि जैसे जिस तरह से वहाँ पे जो झगड़ा बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रात को झगड़ा हुआ था। जी देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, मैं अपने घर थी, मैं भिवानी में थी, अभी बयान दिया पहले, मैं भिवानी थी सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती, अक्टूबर से मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि वो ऐसे ही मेरी बुराइयां करती थी सब जगह से। पहले तो मेरी मैं बात करती थी, मुझे अच्छी लगती थी, ठीक है भाई, लेकिन जब मैंने उसको खुद को देखा, अपनी आँखों से जब देखा, तो मुझे उस पर विश्वास, मैं उससे बात करना छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल ही, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा उसके साथ, ना मैंने अपने जेठ से कभी कोई वार्तालाप किया। ठीक, थैंक यू। Thank you.